कहते हैं जिस तरह जीजा को साली पसंद होती है उसी तरह हर महफिल को ताली पसंद होती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। और आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज आए हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी प्यारे लोगों के लिए कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। अजीब आवाज तो करिए, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं कई लोग राहों में, पर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। एक बार आप सभी अनमोल लोगों के लिए तालियां चाहूंगा। और जब तक बराती नहीं आ रहे हैं, घरातियों के लिए बहुत सारे गिफ्ट आए हुए हैं, चॉकलेट्स आए हुए हैं, इसके साथ बैंकॉक पटाया का टिकट, कुछ टिकट घरातियों के लिए भी रखा गया है। तो कुछ घराती जो उधर खा चुके हैं इधर आ सकते हैं, उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको मिलेगा मौका चॉकलेट जीतने का, और साथ ही साथ वो जीत सकते हैं बैंकॉक पटाया का टिकट, क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट ने भी 15 दिसंबर से फ्लाइट अरेंज करवा दी है। तो लेट्स स्टार्ट विद सर। ओके सर, आपका नाम क्या नाम है आपका? अवनीश जी। आप मैरिड हैं? अनमैरिड हैं? मैम कहाँ है? मैम मायके में है। ओके, सो आप अकेले आए हैं, खुश हैं कि दुखी हैं? जान सुने के इस आदमी को, यही आदमी जो बीवी को छोड़ के आया और कह रहा है मैं खुश हूँ। सर आप बीवी के साथ आए, तभी आपकी परेशानी आपके चेहरे पे दिख रही। ओके, ऑल राइट। तो सर आपको जैसा बता दें कि यहाँ पे घरातियों के लिए कुछ स्पेशल गेम प्लान किया गया, जब तक बारात हमारी नहीं आ रही है, अभी ग्रैंड एंट्री होने वाले दूल्हे के कुछ टाइम में, उससे पहले हमने गेम प्लान किया हुआ है। तो आपको हम कुछ सवाल पूछेंगे और आप इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आपका जवाब सबसे ज्यादा सटीक रहा, सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग रहा और लोगों ने तालियां बजाई, तो आप जीत सकते हैं बैंकॉक पटाया का टिकट, साथ ही चॉकलेट्स कुछ रखे हुए वो तो मिलने ही मिलने। तो पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप हमें बताइए, 90% पब्लिक सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती है? पहला काम आपके हिसाब से ब्रश करती है। ब्रश करती है, लॉक कर दिया जाए ब्रश करती है। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है, ब्रश करती है आपने कहा, प्लीज आप बैठ जाइए। ओके ओके मैडम, आपसे आपका नाम मैम आपका नाम गुड़िया। गुड़िया जी, आप बहुत ही प्यारा नाम है और आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ गुड़िया जी, ये बता दीजिए कि सबसे पहले 90% भारतीय उठ के क्या करते हैं आज के समय में? भारतीय अपने घर का काम करती है। भारतीय मतलब सब लोग का, अगर एक सर्वे किया जाए तो क्या करते होंगे जी? वो कहते हैं वो ब्रश करते हैं, आप क्या करते हैं? सबसे पहले उठ के नहीं, पहले जोरदार तालियों प्यारे से कपल के लिए आ जाइए। सर मैम आ जाइए। ओके ओके, सो आप दोनों हमारे लकीस्ट कपल बने हैं जिनको हम गिफ्ट एम्पर अभी देंगे, कुछ गिफ्ट अवार्ड देंगे। आपका नाम सर? अमन जी। आपका नाम है? अंजलि। अंजलि जी, अमन जी ने सबके सामने पब्लिकली ये कह दिया, आप इसके बाद घर में जाने में कुछ गड़बड़ मत करिएगा सर के साथ। ओके ऑल राइट सर, तो आप दोनों से सवाल है कि 90% भारतीय सबसे ज्यादा क्या करते हैं सुबह उठते हैं? सबसे पहले उठते ही भगवान का नाम, यहाँ पब्लिक के सामने अच्छा बनने के लिए तो नहीं, मोबाइल चेक करते हैं। ओके, ईश्वर को याद करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने काफी कॉमन आंसर दिया, आपको गिफ्ट मिलेगा। लेकिन ये गिफ्ट में देने से पहले आपको दो लाइनें मैडम के लिए बोलनी पड़ेंगी अमन जी, और वो लाइनें मैं बोलूंगा, आपको जस्ट रिपीट करना है, ठीक है? तो एक बार जोरदार तालियां इस प्यारे से कपल के लिए, एवरीवन जितने लोगों ने आवाज पहुंचाई रात में लगा तालियां बजा दीजिए। मोबाइल देखा था भाई साहब, शायरी सुनाने वाले मैडम को। ओके, तालियां जोरदार बजनी चाहिए, इधर भी लोग बजा सकते हैं, जो अगर थाली पकड़े हुए वो छोड़ देंगे थाली तो दिक्कत होगी। ओके सो आपको कहना है मैडम को देख के, मैडम को देख के मुझे नहीं, ओके, कि तुझे पटाने के खातिर तुझे पटाने के खातिर अजी वाह तो करिए, वाह वाह फिर से कहिए, लोग फीलिंग, वो अंकल खड़े उनको फीलिंग नहीं आई। ओके फिर से थोड़ा फीलिंग,
तुझे पटाने के खातिर। ओहो वाह वाह करिए यार कमाल। ओके मैं फिर से जाऊंगा जिम। ओहो तुझे पटाने के खातिर मैं फिर से जाऊंगा जिम। मैं तेरा मोबाइल फोन। तू मेरी सिम। ओहो जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट वहां चेक करें। मैडम कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। बता तू क्या गड़बड़। ये डबल सिम वाला मोबाइल फोन लग रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमन जी और उनकी प्यारी सी वाइफ के लिए। और आपको मिलता है हमारी तरफ से 2 किटकैट चॉकलेट फॉर एक्टिवेटिंग हियर। और आपका नाम बैंक ऑफ पटाया लिस्ट में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच। आप दोनों एक साथ बैठे अलग अलग मत बैठे। ओके ऑल राइट।